एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपने बाथरूम की क्लीनिंग और इसका क्विक सा मेकओवर जो कि बहुत ही सिंपल रहने वाला है। सो ये है मेरा बाथरूम, ये हमारा कॉमन वाला बाथरूम है और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी हुई लाइक स्टाइलिश जो कि ये बहुत अच्छा लगे। मिडिल क्लास को जुगाड़ किए गए हैं इसमें, जैसे कि नेल्स लगी हुई है चीज़ों को हैंग करने के लिए एंड कुछ छोटे छोटे से शेल्फ़ लगाए हुए हैं, एक मिरर लगाया हुआ है और इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसको कभी मैंने मेकओवर भी नहीं दिया, लाइक ऐसे ही यूज़ होता है। सो आज मैं इसको देने वाली हूँ छोटू सा मेकओवर। मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं लेकिन हाँ कुछ DIY मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी क्लीनिंग और क्लीनिंग के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इस टैप को क्लीन करना, क्योंकि इन टैप्स पर ना काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं पानी के, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है वरना वो बहुत गंदे लगते हैं। इसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं टूथपेस्ट का। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टैप्स को क्लीन करने के लिए, काफ़ी अच्छे से शाइन ला देता है और काफ़ी अच्छे से क्लीन भी कर देता है। सो इसके अलावा अगर आप क्लीन करना चाहते हैं तो आप बेकिंग सोडा और नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं तो था। ये टूथपेस्ट और नींबू भी अच्छा ऑप्शन है क्लीन करने के लिए। आपको कुछ इस तरीके से रब कर देना है दोनों को साथ में और इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर 5 से 7 मिनट के लिए भी आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप एक स्क्रब ले लीजिए और उसे अच्छे से इसको स्क्रब कर दीजिए ताकि इसके जितने भी जो डलनेस है या फिर जितने भी दाग धब्बे हैं इसके वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और ट्रस्ट मी, इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया था ये टैब। मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करना चाहिए। एंड आप देख सकते हो कि इसमें ना इसको वॉश करने के बाद बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो गया था, ये बिल्कुल न्यू लग रहा था। शायद कैमरे में आपको इतना नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत बेसिक सा है, लेकिन सच में बताऊँ तो इसमें बहुत ज़्यादा शाइन आ गई थी, बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो गया था। सो इस तरीके से आप अपने टैप्स को क्लीन कर सकते हैं एंड ये काफ़ी सस्ता जुगाड़ भी है। नाउ यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा शाइन इसमें आ गई है अभी। अब आप इस वाले टैप को देख सकते हो, आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये वाला कितना क्लीन हो गया है। और अब बारी है टाइल्स को क्लीन करने की, तो इसको क्लीन करने के लिए मेरे पास ये 2-in-1 ब्रश है जो कि मैंने मंगाया था मीशो से। इसमें एक साइड वाइपर लगा हुआ है, दूसरी साइड आपको मिल जाएगा स्क्रबर जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मुझे लगता है क्लीन करने के लिए। आप इसको फ्लोर भी क्लीन कर सकते हैं, इससे आपको बिल्कुल भी झुकने की ज़रूरत नहीं होती है एंड काफ़ी अच्छे से ये आपके कॉर्नर भी क्लीन कर देता है फ्लोर के। सो ये काफ़ी यूज़फुल एक प्रोडक्ट मुझे लगा क्लीनिंग के लिए। अब बारी है वाले शेल्फ को क्लीन करने की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा मैसी हो रखा है। जितनी भी चीज़ें क्लीनिंग करते टाइम सुबह मिलती है सब मैं यहाँ पे रख देती हूँ और फिर इसको हटाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो काफ़ी दिन से क्लीनिंग नहीं हुई थी बाथरूम की। अगर आप चाहते हैं कि आपका बाथरूम क्लीन लगे, स्मेल फ्री रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके बाथरूम का ड्राई रहना। जब भी आप बाथरूम यूज़ करें उसके बाद वाइपर ज़रूर लगा दें, उससे पूरे दिन आपका बाथरूम ड्राई रहेगा और स्मेल फ्री भी रहेगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब भी आप अपने बाथरूम की क्लीनिंग करें उसके बाद अपने बाथरूम की जो विंडोज़ हैं या फिर दरवाजे हैं उनको ज़रूर खोल के रखें। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है बाथरूम के लिए, क्लीन रहने के लिए, ड्राई रहने के लिए और स्मेल फ्री रहने के लिए। तो डेली 15 से 20 मिनट अपने बाथरूम की जो विंडोज़ हैं या फिर दरवाजे हैं उनको ज़रूर खोल के रखें। अब बारी है टाइल्स को क्लीन करने की, तो टाइल्स को क्लीन करने के लिए नॉर्मल सोप का यूज़ कर रही हूँ और नॉर्मल ब्रश का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रेड कलर का जो हार्पिक आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से टाइल्स को क्लीन कर देता है और शाइन भी ला देता है। आप देखोगे तो बाथरूम में हमने बहुत कम चीज़ें रखी हुई हैं क्योंकि बाहर हमने एक मिरर बॉक्स लगाया हुआ है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी वहीं पे आ जाती है, तो बाथरूम में बहुत कम चीज़ें हमने रखी हुई हैं और इसी की वजह से बाथरूम काफ़ी खाली खाली भी लगता है। तो मुझे बहुत शौक है कि शेल्फ हो, लेकिन अभी हमने नहीं लगवाए हैं। अगर इन फ्यूचर में कभी लगाती हूँ तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर ये जो शेल्फ है ये भी हमने कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर ऐड करवाया क्योंकि बाहर का जो मिरर था वो हमने अंदर लगवाया था और वहाँ पर हमने लगवाया था मिरर बॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है
है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो हाइड हो जाती हैं, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती है। सो बाथरूम हो गया है क्लीन बहुत अच्छे से, अभी आप देख सकते हो कि टाइल्स भी काफ़ी ज़्यादा शाइन मार रही हैं, और ये देख के ना काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही रिलैक्स्ड फील होता है जब आप किसी चीज़ की क्लीनिंग करते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि मेकओवर देने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़े, आप किसी भी स्पेस को अगर मेकओवर देना चाहते हो तो आप उसको ऑर्गेनाइज करें और काफ़ी अच्छे से क्लीन रखें। क्लीनिंग करते टाइम मेरे हाथ की हालत आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो गई थी, और आजकल ना मेरे को बहुत ज़्यादा चोटें लग रही हैं। एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं DIY। हर वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए एक ना एक DIY ज़रूर लाऊं, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है DIY करना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक कैंडल होल्डर, मैं बाथरूम में रखने वाली हूँ कैंडल, लेकिन मैं बहुत सिंपल सी कैंडल नहीं रखना चाहती। यहाँ पे ले रही हूँ मैं ये पुराने स्टोन जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास रखे हुए हैं, और ये पुरानी कैंडल, हालाँकि ये टूटी हुई है लेकिन इसमें हम रखेंगे तो पता नहीं चलेगा। इसके साइड साइड में हम इस तरीके से स्टोन्स को रख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कलरफुल स्टोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो प्लेन वाइट कलर के स्टोन होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कैंडल जो है वो सिंपल नहीं लगेगी, थोड़ी सी स्टाइलिश लगेगी और काफ़ी अच्छी लग रही है ऐसे रखने के बाद। दूसरा DIY करने के लिए यहाँ पे एक ग्लास का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं लगाने वाली हूँ एक प्लांट, वो प्लांट जो कि पानी में आराम से चल जाते हैं और बिना लाइट के भी आराम से चल जाते हैं। इस प्लांट का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं भूल रही हूँ, अगर आप लोगों को पता हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। तो इस तरीके से हम स्टोन्स का इसमें भी यूज़ कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। तो है ना बहुत ही DIY। इन DIY को आप किसी भी कॉर्नर के लिए कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको बाथरूम के लिए ही करना हो। तो चलिए आप देते हैं इन DIY के साथ अपने बाथरूम को क्विक सा मेकओवर और बहुत सिंपल सा। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा शेल्फ नहीं है बाथरूम में, तो हम इस वाले पार्ट का यूज़ करेंगे चीज़ों को रखने के लिए। यहाँ पे एक पुरानी पिक्चर मैं ये ले रही हूँ, ये मैंने मंगाई थी अमेज़ोन से, इसके ये 3 के सेट में आए थे, इसके जो 2 हैं वो कहीं और लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे DIY एक प्लांटर या फिर आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज़र ही मैं यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पर रख दूँगी मैं ये कैंडल जो कि मैंने अभी बनाई है, और उसके बाद इस कॉर्नर पर रख देंगे हम ये वाला प्लांट, क्योंकि ये कॉर्नर है बहुत छोटा सा, शेल्फ भी बहुत छोटा सा है, तो उसमें ये अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे रख रही हूँ मैं अपने शैम्पू की बॉटल, अपने ऑयल की बॉटल, और ये कुछ सामान ऐसे रखा हुआ था, बिखरा हुआ था, तो इसके लिए ये ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी एक DIY है। और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर स्टोर करके इसको रख देंगे। और अब बारी है इस वाले शेल्फ़ की, तो यहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी रखनी ज़रूरी है बाथरूम में, तो यहाँ पर सिंपल सा मैं इनको रख रही हूँ। इसके बाद ये मिरर है, तो इस पर मैं सोच रही हूँ लाइट लगा दूँ, थोड़ा सा लुक और चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ स्ट्रिंग लाइट्स जो कि बहुत ही हल्की होती है और पता नहीं चलता कि आपने लगाई हुई है। तो कुछ इस तरीके से मैं इस मिरर पे जो है लाइट्स लगा दूंगी। और अगर आपको चीज़ें हैंग करनी हो, आप मैंने आपको जैसे पहले भी बोला था कि मेरे बाथरूम के मिडिल क्लास वाले जो जुगाड़ होते हैं ना वो हमने ज़रूर कर रखे हैं, तो यहाँ पे नेल्स लगाई हुई हैं, इन पे मैं हैंग कर दूंगी ये ब्रश, और क्योंकि ये डेली यूज़ होता है बाथरूम में। अगर आपको चाहिए कि आपका बाथरूम क्लीन रहे तो इस तरीके के जो डस्टबिन होते हैं आपको ज़रूर ऐड करने चाहिए अपने बाथरूम में। तो चलिए देखते हैं कि पहले बाथरूम कैसा लगता था और अभी बाथरूम थोड़ा सा मेकओवर देने के बाद कैसा दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो आया है वो काफ़ी अच्छा आया है। तो मिरर को लाइट लगाने के बाद मिरर कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ पे कैंडल की जो जगह थी वो मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा गिरने का डर था, इसीलिए मैंने वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र रख दिया और कैंडल को उस साइड शिफ्ट कर दिया। सो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं, लेकिन जितने भी आए हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जुगाड़ के साथ आप भी अपने बाथरूम को जो है छोटी मोटी सी मेकओवर दे सकते हैं थोड़ा सा चेंज लाने के लिए, इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, आई रियली होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।